बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हमारे नए वीडियो में आपको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 9 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 करेंगे, जो कि लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 8xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, ये सोल्यूशन लिख लिया। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन दोबारा लिख लिया और फिर हमने क्या किया कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड, बोथ साइड पर डिफरेंशिएटिंग ले लिया और ये देख लिया। फिर हमने क्या किया कि दो ये देख ले, बोथ साइड पर ये राइट हैंड साइड पर 0, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास 0 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड पर ले लिया। फिर हमने क्या किया, 3x स्क्वायर के साथ अलग डेरिवेटिव, 8xy के साथ अलग और माइनस वाई के साथ माइनस वाई स्क्वायर के साथ अलग डेरिवेटिव और माइनस 5 के साथ अलग डेरिवेटिव हमने ले लिया। तो ये देख लिया, इसमें हमारे पास 3 जो है कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो हमने कॉमन कर लिया। इसमें 8 कॉन्स्टेंट है कॉमन कर लिया और वाई स्क्वायर का हमने डेरिवेटिव ले लिया, तो हमारे पास माइनस 2y dy / dx बन गया। इस तरह 5 जो है कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास 0 है। कॉन्स्टेंट वैल्यू अगर आपके पास किसी वेरिएबल के साथ आ जाए तो वो 0 नहीं होता है, वो सिर्फ आप डेरिवेटिव से बाहर कर दे, सही। फिर हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर अगले स्टेप में हमने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लिया, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास 2x आता है। प्लस ये जो है हमारे पास प्रोडक्ट रूल, इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है, तो हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स डी एक्स बाई डी एक्स, सही है। और माइनस इसका डेरिवेटिव हमने ले लिया, माइनस 2y dy / dx हमारे पास आता है इज इक्वल टू 0। ये वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव है हमारे पास, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव है तो इसके साथ हमारे पास dy / dx आएगा। अगले स्टेप में हमने क्या किया कि 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास 6x बन गया। इस तरह इसमें हमने dx / dx का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव खोल दिया तो हमारे पास 1 आ गया। इस तरह माइनस 2y dy / dx इज इक्वल टू 0। ये 6x अपनी जगह, ये 8 को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 8x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 8y, सही है, और माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ गया। अगले स्टेप में हमने क्या किया कि जो हमारे पास ये डी वाई बाई डी एक्स वाला दो वैल्यू है इसको हमने छोड़ लिया, और जिसके साथ नहीं है ये 6x प्लस 8y, इसको हमने राइट हैंड साइड पर लेकर गए, हमारे पास माइनस 8y प्लस माइनस 6y इससे बन गया, सही है। फिर अगले स्टेप में हमने क्या किया कि ये जो है राइट लेफ्ट हैंड साइड पर 8x डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास है, इसमें दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है तो हमने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लिया, सही। और फिर क्या किया है, डिवाइड बोथ साइड बाई, इसको हमने राइट हैंड साइड पर डिवाइड कर दिया 8x माइनस 2y, और इसमें हमारे पास ये 2 कॉमन कर लिया, तो ये प्लस 2 ब्रैकेट माइनस 2 ब्रैकेट में माइनस 4y प्लस 3x बन गया, सही। इसको हमने राइट हैंड साइड पर डिवाइड कर दिया, तो ये देख ले। और इसमें भी आप क्या अगर देख ले, ये ऊपर जो है हमारे पास 4y प्लस 3x, और इधर आपने देख ले ये इसको इन लोगों ने क्या किया, इस y को अलग आगे कर लिया और इससे इसके इससे वो माइनस 2 भी कॉमन कर लिया, तो हमारे पास y माइनस 4y, सही, ये 8 को आगे पीछे कर लिया, तो ये 8 के साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो ये y के y जो है प्लस बन जाएगा, 8 के साथ जो है ये 2 भी कॉमन हो जाएगा, ये माइनस बन गया, ये माइनस 2 माइनस 2 कट गया, हमारे पास 4y प्लस 3x y माइनस 4x हमारे पास आंसर बन गया, सही। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये तो इज इक्वल टू 0, ये बहुत सिंपल सवाल है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड, बोथ साइड पर हम डेरिवेटिव लेंगे, ये देख ले, लेफ्ट हैंड साइड पर भी राइट हैंड साइड पर भी दोनों के साथ। फिर हमने क्या किया, हर एक के साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर दिया, वाई स्क्वायर के साथ अलग, एक्स स्क्वायर के साथ अलग, माइनस 4 के साथ माइनस 4x के साथ अलग, और राइट हैंड साइड पर जो 5 है ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास 0 आता है। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास 2y डी वाई बाई डी एक्स आता है, सही है, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास 2x आता है, और इस तरह ये 4 जो है कॉन्स्टेंट है और x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आता है, सही। तो ये हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाई 1
माइनस इससे फोर आता है, इससे टू एक्स आता है और टू वाई बाई टू टू वाई डी वाई बाई डी एक्स। फिर हमने क्या किया, इन दोनों को हमने राइट हैंड साइड पर लेकर गए तो हमारे पास फोर माइनस टू एक्स बन गए। सही, ये फोर माइनस टू एक्स और इसके साथ हमारा डी वाई बाई डी एक्स है। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये टू वाई को हम राइट हैंड साइड पर डिवाइड करेंगे। तो ये देख ली डी वाई बाई डी एक्स, इससे हमने ये फोर माइनस टू एक्स है तो इससे हमने टू कॉमन कर लिया, टू माइनस एक्स बन गया। सही है, और टू वाई है, टू टू कट गया हमारे पास, टू एक्स माइनस वाई हमारे पास, टू माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई हमारे पास आंसर बन गया। सही, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। हमने सोल्यूशन लिख लिया, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन आप दोबारा ज़रूर लिख लें। फिर हमने क्या किया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड पर डिफरेंशिएट ले लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स बोथ साइड पर। तो हमने दोनों साइड पर लिख लिया, राइट हैंड साइड पर ज़ीरो है तो इसके साथ हमने लिखते, तो ये देख ले ये लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वेशन है उसके साथ। फिर हमने क्या किया, हर एक के साथ डेरिवेटिव अलग अलग लिख लिया, वाई स्क्वायर के साथ डेरिवेटिव अलग, माइनस एक्स वाई के साथ डेरिवेटिव अलग, माइनस एक्स स्क्वायर के साथ डेरिवेटिव अलग, प्लस फोर के साथ डेरिवेटिव अलग। तो ये देख ले वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास टू वाई आता है डी वाई बाई डी एक्स। इसी तरह हमारे पास एक्स वाई जो है ये प्रोडक्ट रूल बनता है, तो ये एक्स को छोड़कर वाई का डेरिवेटिव और प्लस वाई को छोड़कर डी का डेरिवेटिव, माइनस ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आता है, माइनस टू एक्स आता है, ये माइनस अपना टू एक्स आ गया। सही, प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। सही है, और इसी तरह हमारे पास ये अगले स्टेप में हमने टू वाई डी वाई बाई डी एक्स और इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे प्लस माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई और माइनस टू एक्स बन गया। सही है, फिर हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स वाला जो वैल्यूज है दो, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पर छोड़ दिया, टू वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वाई, इसको और ये माइनस वाई माइनस टू का माइनस टू एक्स को हमने राइट हैंड साइड पर लेकर गए। सही, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मालूम करने के लिए, तो ये देख लें इन दोनों में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर जो है डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लिए, हमारे पास अंदर ब्रैकेट में क्या गया रह गया, टू वाई माइनस एक्स और राइट हैंड साइड पर हमारे पास क्या बन गया, टू एक्स प्लस वाई। फिर हमने क्या किया, माइनस टू वाई माइनस एक्स को हमने राइट हैंड साइड पर डिवाइड कर दिया। सही है, ये देख लिया हमने डिवाइड कर दिया, ये टू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई टू वाई माइनस एक्स, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर था। अगले वीडियो में हम इंशाल्लाह अच्छा अच्छे रूल वाले इस्तेमाल करेंगे, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे। सही, तो इसमें कुछ मुश्किल हो तो या कुछ गलती आपको समझ नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट में बता दें। सही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अपने दुआ में हमें भी याद रखिएगा, सलमान को याद रखिएगा। वस्सलाम।